नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 1 है और चलिए शुरुआत कर देते हैं इस टेस्ट पेपर की, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा और कितने जितने भी आपको आंसर आते होंगे कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है। चलिए पहला क्वेश्चन है कर्क रेखा से संबंधित और क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में अच्छे से, फिर हम लोग इस उत्तर पे आएंगे। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य जो हैं कुल 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सारे के सारे आपके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो उत्तर होगा वो आपका बिहार होगा। तो बिहार उत्तर इसका सही है। कर्क रेखा जो है वो आपका बिहार या फिर झारखंड से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? पहला ऑप्शन है मेघालय, फिर है त्रिपुरा, फिर है मणिपुर और फिर है मिजोरम। तो बहुत बार आपका ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे लगने वाले भारतीय राज्यों के बारे में अगर बात की जाए तो उसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि मणिपुर राज्य की जो सीमा है बांग्लादेश से नहीं मिलती और ये प्रश्न जो है अक्सर एग्जामिनेशन में आया करता है। और ये पूछा क्यों जाता है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो मणिपुर जो है म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगर ये क्वेश्चन आपका चेंज हुआ तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्यों में से कौन है। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें आपका मणिपुर जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो भारत के जो निकटतम पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश व श्रीलंका है। देश की जो सीमाएं हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है उत्तर में चीन व नेपाल और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमाएँ हैं कृत्रिम हैं और मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य जो 6 देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इनके साथ भारत की जो सीमाएं हैं वो आपका प्राकृतिक हैं। इसमें क्वेश्चन और बन जाता है, फिलहाल तो इसका उत्तर जो होगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है उसके बारे में। तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वो आपका अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो पड़ोसी देशों की अगर बात की जाए पड़ोसी देशों की जो सीमाओं को स्पर्श करने वाले राज्यों के बारे में, तो पाकिस्तान सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। मैप में आपने इसको बहुत अच्छे से देखा होगा। अफगानिस्तान के बारे में है तो उसको स्पर्श करने वाला राज्य आपका जम्मू कश्मीर है। चीन अक्सर ही न्यूज़ में रहता है तो इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे के सारे हैं। बांग्लादेश वाला क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आता ही रहता है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसमें आपका जो अरुणाचल प्रदेश है वो सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है। ये क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। देखिए एक ही प्रश्न में आपका कई तरीके की चीज़ें जो हैं निकल के सामने आ जाती हैं। अब रेडक्लिफ रेखा के बारे में है, रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? तो आप लोग ये देखते चलें कि कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं। जितने प्रश्न आपको आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि इतने से में इतने आपके आंसर सही हैं। अगर 8 क्वेश्चन हैं तो 8 में से 5 सही हैं, 7 सही हैं, 6 सही हैं, जो भी सही हैं। तो क्वेश्चन है रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत की जो सीमाएं हैं प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की हैं। जैसा मैंने बताया उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में आपका हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत की जो प्राकृतिक सीमाएँ हैं निर्धारित करते हैं, भारत की प्राकृतिक सीमाएँ निर्धारित करते हैं, भारत की सीमाएँ जो हैं चीन, बांग्लादेश, इन सब के बारे में है। और रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा बनाती है। तो समुद्र पार भारत का जो सर्वाधिक निकटतम देश है श्रीलंका है, ये आपका पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग से अलग होता है। तो यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जो क्लियर हो गई आपको।
भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका जो सीमा रेखा होती है उसको आपका रेड क्लिफ बोलते हैं। मैकमोहन जो है भारत और चीन के बीच में है, जो कि थर्ड ऑप्शन है, भारत चीन सीमा रेखा को क्या कहते हैं, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इस वजह से मैंने बता दिया। ऑप्शन में आपका डूरंड नहीं है, लेकिन डूरंड भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपका भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करता है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो निम्न में से कौन असत्य है? पहला ऑप्शन है, भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। इसके अलावा दूसरा है, हिमालय जो है विश्व में सबसे नवीन पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा होता है। और चौथा है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो देखिए, बाकी तो सारे सही हैं, लेकिन सी में प्रॉब्लम है। भारत का जो पश्चिमी समुद्र तट है उसका निर्माण कैसे हुआ है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट का जो निर्माण है वो आपका भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है, ना कि आपका नदियों की जमाव क्रिया द्वारा। तो ये चीज़ आपकी गलत है और इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है? निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला का नाम है? अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करें कि भारत में आपका सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, विंध, अरावली, शिवालिक या फिर अन्नामलाई, तो भारत में सबसे नवीन जो पर्वत श्रेणी है वो आपका शिवालिक है, जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत क्या होते हैं अगर उसके बारे में हम लोग बात करें, तो जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या फिर वलन पड़ जाते हैं तो उसे आपका मोड़दार या फिर वलित पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है अगर उसके बारे में हम लोग बात करें, तो उप हिमालय क्षेत्र के गिरपत क्षेत्र में पश्चिम में आपका सिंधु से पूर्व तुईस्ता के बीच में फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा और भाबर होगा। तो उम्मीद है कि जो आपका पहला टेस्ट हुआ तो उसमें आपके पूरे के पूरे नंबर होंगे, और नहीं है तो कोशिश करिए, अभी तो ये आपका शुरुआत है और आप डेली इसी तरह से आपका टेस्ट पेपर आपका एक होता रहेगा। और अगर आप लोगों ने प्रोत्साहन दिया तो ये टेस्ट सीरीज़ अब लगातार चलती रहेगी, डेली आपका एक सीक्वेंस आपको दे दिया जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी आगे शेड्यूल है पूरा 6 डेज़ का शेड्यूल दे दिया जाएगा, कौन से दिन पर किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, और पर डे आपका 10 क्वेश्चन का टेस्ट का नेक्स्ट जीएस का सोचना है कि 10 टेस्ट आपका 10 क्वेश्चन का टेस्ट आपका डेली हुआ करे, जिससे कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले इस चीज़ का। कुछ नहीं तो आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाने का एक फार्मूला सा समझ में आएगा। और इसमें आगे चीज़ें मैं भी ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से कोई पुराना डाटा जो है वो नए डाटा में कन्वर्ट होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका अपडेट हो जाती हैं और अपडेशन के बाद आपके एग्जामिनेशन में आ जाती हैं। चलिए फिलहाल पहले टेस्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।